सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। प्रकृतिं परमां अभयां वरदां, ये स्तोत्र की हम आलोचना कर रहे हैं। और पिछले पाठ में हमने देखा था कि कैसे माँ दोष मुक्त करती है। स्नेहेन बदनासि मनोस्मदीयम दोषान शेषान सगुणी करोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान स्वांके गृहीत्वा यदिदं विचित्रम्। स्नेहेन बदनासि, ये हमने देखा था कि माँ कैसे स्नेह से बांधती है सबको। और इतना ही नहीं, जो दोष अपने मन में होते हैं, अपने जीवन में होते हैं, वो दोषों से भी मुक्ति दिलाती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण उनकी आलोचना करेंगे कि दोषान अशेषान सगुणी करोषि, इतने असंख्य दोष हमारे जीवन में है, मन में है, तो उनको सगुण, उनके गुण रूप करके स्वीकार करती है। जैसे मानसिक अशांति, ये एक दोष है। मन कभी कभी अशांत हो जाता है, क्योंकि हमारे जो वातावरण में, समाज में ऐसे बहुत सारी घटना होती है कि मन विचलित हो जाता है। ऐसे ही गिरीश घोष, एक बार उनका मन बहुत ही अशांत हो गया, बहुत ही विचलित हो गया, घर के कारण, परिवार के कारण, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर ठाकुर श्री रामकृष्ण होते तो वो उनके पास चले जाते, लेकिन ठाकुर श्री रामकृष्ण की भी महासमाधि हो गई थी, इसलिए उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या करें। तो उस समय निरंजनानंद जी महाराज को उन्होंने पूछा कि क्या कर सकते हैं। तो निरंजनानंद जी महाराज बोले कि आप माँ के पास जाइए, माँ शारदा देवी के पास जाइए, आपको मन शांति मिल जाएगी। तो पहले तो गिरीश घोष का इतना विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्या माँ भी ठाकुर श्री रामकृष्ण जैसे मुझे शांति दिला सकती है? निरंजनानंद जी महाराज बोले कि हाँ, ठाकुर तो पुरुष थे और ये प्रकृति है, ठाकुर शिव थे, ये पार्वती है। ऐसा बहुत तरीके से समझाने पर गिरीश घोष मान गए और जयराम भाटी जाने के लिए राजी हो गए। निरंजनानंद जी और गिरीश घोष दोनों जयराम भाटी चले गए। और जैसे ही माँ का दर्शन गिरीश घोष को हुआ, गिरीश ने पहला प्रश्न पूछा कि माँ, आप सच में माँ हो या काल्पनिक रूप से, मतलब मानना पड़ता है आप माँ हो या सच में माँ हो? तो माँ ने तुरंत ऐसा उत्तर दिया, एक उसमें एक अधिकार था, एक स्ट्रेस था, जो फोर्सफुली बोलते हैं कि हाँ, माँ ने कहा कि हाँ, मैं सच में तुम्हारी माँ हूँ, सबकी माँ हूँ। तो इससे गिरीश घोष को इतनी शांति मिल गई कि जो इतना दिन से वो उनका मन विचलित था, चंचल था, अशांत था, उससे पूर्ण मुक्त होके मन उनका एकदम शांत हो गया। तो दोषान अशेषान, ये एक दोष होता है, बहुत सारे दोष होते हैं। दोष क्या है पहले समझ लेना चाहिए। अपने राजयोग में कहते हैं कि मन की वृत्तियां होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। क्लिष्ट मतलब कॉम्प्लेक्स, क्लिष्ट मतलब क्या है कि अविद्या आदि क्लेश देने वाली, बंधन में डालने वाली वृत्तियां होती है मन की, जिस वृत्तियों से हम बंधन में पड़ जाते हैं और अविद्या के कारण क्लेश होता है। और विपर्यय, विपर्यय मतलब बोलते हैं मिथ्या ज्ञान मद्रूप प्रतिष्ठम, मतलब किसी वस्तु के
सत्य स्वरूप या वास्तव रूप को न देखकर उसे कुछ और ही समझ लेना, मतलब जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न देख के अपने काल्पनिक रूप से वस्तु की धारणा करना। जैसे कि एक प्रसिद्ध उदाहरण जो देते हैं कि रज्जु सर्प न्याय, कि जब संध्या होती है, ठीक से प्रकाश नहीं होता है, रात भी नहीं होती है, उस समय कहीं रस्सी देखते हैं तो उसके ऊपर हम कल्पना करते हैं कि सांप है, और कल्पना करने से क्या होता है कि भय हो जाता है, मन में भय हो जाता है, क्लेश हो जाता है और दूर भागने लगते हैं या उसको मारने जाते हैं, बहुत कुछ होता है। क्यों होता है ये? मिथ्या ज्ञान, इसको बोलते हैं विपर्य, मतलब जो वस्तु जैसी है वैसी न देख कर उसे अपने कल्पना के अनुरूप देखना। तो इस वृत्ति से क्या होता है कि मन में अनेक क्लेश या दोष निर्माण होते हैं, और इससे शारदा माँ ने बहुत लोगों को मुक्त किया। उसके कई सारे सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आसक्ति। आसक्ति ये एक दोष है। आसक्ति क्यों होती है? अपने मन में जो अहंकार होता है और मैं मतलब शरीर, ऐसा जब मानने लगते हैं तब आसक्ति हो जाती है। तो ये शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए हम बहुत कष्ट लेते हैं, प्रयास करते हैं। तो एक शिष्या आई माँ के पास, माँ शारदा देवी के पास, और उनको एक सपना पड़ा था। तो उस सपने के बारे में उसने कहा कि माँ, मैंने एक सपना देखा कि मैं नदी के किनारे जा रही थी और उस नदी का कुछ कुल किनारा नहीं था, और उसी समय एक पेड़ के नीचे जाते समय, मैं और मेरे पति जा रहे थे, पेड़ के नीचे जाते समय एक सुनहरे रंग की लता मुझे बांधने लगी, और उसी समय एक काला सा लड़का था, नाव लेके जा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि मुझे उस पार ले चलो। उस समय उस लड़के ने बोला कि हाँ, लेके जाऊंगा, लेकिन पहले ये सब जो लताएं हैं वो काटनी पड़ेगी। तो वो कहते कि मैंने बहुत प्रयास किए और बहुत सारी लताएं काटी, लेकिन फिर भी एक तो रह ही गई। और अब मैंने देखा कि पति भी कहीं अदृश्य हो गए, नहीं दिख रहे थे। तो मैंने वो लड़के से कहा कि अब मैंने बहुत सारी लताएं काट ली है, अब तो मुझे लेके चलो। और मैं नाव में बैठ गई। उसी समय मेरा सपना टूट गया। तो माँ ने कहा, माँ शारदा देवी ने कहा कि ये महामाया का खेल है, तुमको महामाया ने ही पार कर दिया, क्योंकि ये जो पति होता है, पुत्र, देह, ये सब माया है। और देहात्म बुद्धि मतलब अहंकार, मैं देह हूँ, ये सब धारणा होती है, तब ये सब बंधन हो जाते हैं। तो ऐसे माँ ने उपदेश करके वो बंधन को हटा दिया मन से। और क्या होता है कि दोषयुक्त विचार मन में आते हैं, वो एक मन की एक विकृति है। कि एक महिला माँ से मिलने आई, प्रथम बार आई थी, और वो बीमार थी थोड़ी। उसने कुछ एक निवेदन करने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए कुछ मिठाइयाँ लाई थी, वो रख दिया, और उसको लग रहा था कि मैं कुछ खाऊंगी तो मुझे चक्कर आने लगी। तो इस विचार से वो बैठी थी, माँ पूजा कर रही थी, माँ ने उसने लाया हुआ जो मिठाई थी, निवेदन था, वो भोग चढ़ा दिया ठाकुर को, और उसके बाद माँ ने कहा थोड़ा प्रसाद ले लो, उल्टी नहीं होगी। तो माँ ने प्रसाद दिया, उसने खाया और उसको एकदम स्वस्थ लगने लगा। उल्टी तो हुई नहीं, लेकिन उसको स्वस्थ होने लगा, क्योंकि वो माँ ने दिया हुआ प्रसाद था। और मन से, मन में जो अलग अलग भाव होते हैं वो एक दोष होता है, वो मतभेद होते हैं, उसको भी माँ ने हटा दिया। क्योंकि भेद जो होते हैं, भेद सिर्फ मनुष्यों में होते हैं,
महामानव महापुरुष जो होते हैं या अवतारी पुरुष होते हैं, उनके मन में भेद नहीं होते हैं, उनके लिए सब समान होते हैं। तो एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला से माँ फल वगैरह खरीदती थी क्योंकि उसको 4 पैसे मिलेंगे। तो उसको माँ शारदा देवी उनको मौसी करके बुलाती थी, और मुस्लिमों के जो उत्सव थे उसके लिए कुछ मिठाइयाँ फल वगैरह भोग के लिए फल मिठाइयाँ भेजती थी। तो किसी एक ने पूछा कि माँ आप तो हिंदू हो फिर भी मुस्लिम उत्सव के लिए मिठाइयाँ आदि भोग क्यों भेजती हो? तो माँ ने कहा बेटे भगवान के अलग थोड़ी है, सब एक है। ठाकुर ने इस्लाम की भी साधना की और मुस्लिम जैसे प्रार्थना की। भगवान के नाम बहुत है लेकिन तत्व रूप से भगवान एक ही है। ये बहुत बड़ी सीख है। और बहुत सारे लोग चरित्रहीन लोग भी माँ के पास आते थे लेकिन माँ को कोई पराया नहीं था, पूरा विश्व माँ के लिए उनकी संतान थी। इसलिए चरित्रहीन हो दोषयुक्त हो माँ उसको स्वीकार करती थी और उसके मुक्ति के लिए कृपा करती थी। तो एक सन्यासी शिष्य माँ से कहता है कि माँ आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई बार आपको किसी न किसी बीमारी से कष्ट होता है, और आपकी जो रसोई बनाने वाली जो महिला है रसोईया है उसका चरित्र भी ठीक नहीं है, इसलिए अगर आप मुझे इजाज़त दो, मुझे परमिशन अनुमति दो, तो मैं दूसरे रसोईया की व्यवस्था करूँगा जिसका चरित्र अच्छा हो ताकि आपको ज़्यादा कष्ट ना हो। तो माँ ने कहा, करुणा स्वर से कहा माँ ने, देखो बेटे तुमको अगर उसको हटाना है तो तुम हटा सकते हो, लेकिन अगर मैं उसको अस्वीकार करूँगी तो वो कहाँ जाएगी, उसके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा। ये सुनकर शिष्य तुरंत माँ के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा और बोला, माँ आप सच में जगत जननी हो, इतनी करुणा मैंने कहीं नहीं देखी। तो माँ ने कहा, क्योंकि माँ ने कहा था कि अगर कोई संतान किचन में मैला हो गया हो तो माँ उसे फेंकती नहीं है, माँ उसको साफ सुथरा करके गोद में लेती है, वैसी माँ थी। और एक क्या होता है कि बहुत भक्त मंत्र लेते हैं दीक्षा लेते हैं लेकिन नियमित रूप से जप नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी माँ जप करती थी, रातों रात उनको नींद नहीं थी। तो एक बार उनके सेवक ने पूछा कि माँ आपको नींद नहीं आती है क्या, जब भी देखता हूँ आप जप करती रहती हो। तो माँ ने कहा, क्या करूँ बेटे, बहुत सारे मेरे संतान मंत्र दीक्षा लेते हैं और नियमित रूप से जप नहीं करते, नियमित रूप से क्या करते ही नहीं है, जप ही नहीं करते, तो उनके कल्याण के बारे में तो मुझे ही सोचना पड़ेगा क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। क्योंकि माँ गुरु जब दीक्षा देता है तो शिष्य की जिम्मेदारी लेता है, और वो तो जगत जननी माँ थी, ठाकुर माँ ये सब जिम्मेदारी लेते थे। तो इसलिए माँ कहती है कि जो जप नहीं करते हैं उनके कल्याण के लिए मैं जप करती हूँ। तो कितनी करुणा थी, कितनी मतलब प्रेम भाव। और एक मन की एक वृत्ति होती है दोष, वो है संशय और नैराश्य। संशय मन में जब होता है तब नैराश्य भी होता है, और आध्यात्मिक जीवन में तो संशय के बादल आ ही जाते हैं क्योंकि आध्यात्मिक साधना करते करते ऐसा लगता है कि भगवान है या नहीं, और उसकी वजह से नैराश्य आ जाता है। उस वृत्ति की वजह से ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि या तो हमारी उतनी सिंसियरिटी नहीं होती है साधना में, या नियमित रूप से साधना नहीं होती है, या भगवान की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए नैराश्य आ जाता है और एक संशय उत्पन्न होता है कि भगवान है या नहीं।
तो ऐसे ही एक शिष्य को माँ ने कहा, एक शिष्य ऐसा ही निराश हुआ था, उसके मन में संशय हुआ था, तो माँ ने कहा कि क्यों चिंता करते हो बेटे, तुम्हें मेरे हृदय में स्थान मिला है, अब तुम्हें कुछ आध्यात्मिक साधना नहीं करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए जप करूँगी, मैं तुम्हारे लिए साधना करूँगी। इसका मतलब ये नहीं कि माँ ने जप करने से किसी को मना किया है या उनको स्फूर्ति नहीं दी है, लेकिन जो करुणा थी उनकी, वो किसी किसी के ऊपर कृपा करती थी। जिसको मन से ऐसा लग रहा है कि माँ की करुणा चाहिए, तो माँ उसे कृपा करती थी। और ऐसे ही माँ जिम्मेदारी लेती है, शिष्यों का पाप ग्रहण करती है। तो मंत्र शक्ति के बारे में माँ कहती है कि मंत्र से शक्ति मिलती है, और गुरु की शक्ति शिष्य में और शिष्य की शक्ति गुरु में जाती है मंत्र दीक्षा समय। इसलिए माँ कहती है कि जब मैं दीक्षा लेकर शिष्यों के पाप को या दोष को स्वीकार करती हूँ, तब मैं बीमार हो जाती हूँ। अगर शिष्य कुछ पाप कर्म करता है तो उसका असर या परिणाम गुरु के ऊपर दिखने लगता है। वैसे ही अगर शिष्य पवित्र जीवन जीता है तो वह गुरु के लिए भी अच्छा होता है। एक बार एक शिष्य था नारायण अयंगार करके, और वो माँ के पास आया और माँ के चरण छूने में वो संकोच रहा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं माँ को स्पर्श करूँगा चरणों को, तो माँ को दर्द हो सकता है। तो ये मन का विचार माँ ने जान लिया और बोली, माँ ने कहा, नहीं बेटे, हमारा जन्म इसलिए हुआ है, अगर हम दूसरों के पाप या दोष स्वीकार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, इसलिए तुम निसंकोच मेरे पैर छू के प्रणाम कर सकते हो। तो इससे पता चलता है कि माँ का हृदय कितना करुणामय था। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति मंत्र दीक्षा लेने के लिए माँ के पास आया और बहुत ही विनम्रतापूर्वक उसने प्रार्थना की माँ को कि मुझे आप मंत्र दीक्षित कर दो, मंत्र दीक्षा दे दो। माँ ने भी करुणा की वजह से उनकी प्रार्थना सुन ली और दीक्षा ले वो राजी हो गई। दीक्षा देने से पहले माँ ने उसे कुछ प्रश्न पूछे और उससे माँ को पता चला कि उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति को ठाकुर के ईश्वरत्व के बारे में संदेह है, मतलब वो ठाकुर को ईश्वर मानता नहीं है। तब तो उनको चिंता हो गई और उन्होंने तुरंत योगिन माँ को बुलाया, और योगिन माँ आई जल्दी से और पूछा, क्या हो गया माँ? तो माँ ने कहा, देखो, ये व्यक्ति ठाकुर को ईश्वर नहीं मानता है, तो इसको मैं कैसे मंत्र दीक्षा दे सकती हूँ? तो योगिन माँ ने कहा कि माँ, कोई बात नहीं, आप जो मंत्र दोगी उसमें शक्ति होगी, उसमें बदल निश्चित रूप से बदल हो जाएगा, चिंता मत करो, उसे मंत्र दीक्षा दे दो। और जैसे ने माँ ने उसका कहा माना, और वो बुजुर्ग व्यक्ति को माँ ने मंत्र दीक्षा दे दी, और धीरे धीरे उसमें बदलाव आ गया और वो ठाकुर का भक्त हो गया। ये सब माँ की करुणा की वजह से हुआ, माँ के जो शक्ति थी। और मन के जो संशय होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, कि जैसे हमने देखा कि भगवान के बारे में संशय होता है, वैसे ही मंत्र लेते हैं कि, लेकिन एक महिला थी, उसने मंत्र लिया और वो जप कर रही थी, बहुत दिनों के बाद उसको मन में संदेह हो गया कि मैं तो मंत्र जप कर रही हूँ, लेकिन ये ठीक कर रही हूँ या पता नहीं है, इसलिए उनका मन विचलित हो गया। और करीब 3 साल के बाद वो महिला माँ के पास आई और उसने पूछा कि माँ, मैंने तो मंत्र लिया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं मंत्र ठीक से उच्चारण कर रही हूँ या नहीं। तो माँ ने कहा कि बेटी, इतने दिन हो गए, अभी मुझे थोड़ी याद रहेगा वो मंत्र। तो माँ ने कुछ सोच लिया और बोले,
माँ ने कहा, ठीक है मुझे मंत्र मत बता दो, मैं ठाकुर को पूछ के आती हूँ। वो पूजा कक्ष में, पूजा के कमरे में गई और कुछ देर बाद बाहर आ गई माँ, और उसने जो मंत्र उसे कहा कि यही तुम्हारा मंत्र है क्या? तो महिला ने कहा यही मंत्र है। तो ठीक है, तुम्हारा उच्चारण सही है और तुम शांति से जाओ और अपना जप प्रारंभ करो, उसमें कोई भूल नहीं है। और साधना में और एक प्रकार होता है कि सूखापन आ जाता है, एक असहायता महसूस होता है। ऐसे लोगों को भी माँ ने सांत्वना दी। एक सन्यासी शिष्य था, माँ से दीक्षा लिया हुआ, तो उसे बहुत दिन या बहुत महीने साधना करने के बाद भी साधना में रुचि नहीं लग रही थी, और वो माँ जहाँ रहती थी उसके पास में कुछ फल्लांग दूर एक बिल्डिंग थी, उसमें ही वो रहता था सन्यासी शिष्य, फिर भी माँ को मिलने के लिए नहीं आता था। तो माँ को एक बार उसने पत्र लिखा और पत्र द्वारा उसने अपनी भावना प्रकट की और कहा कि माँ मुझे सूखापन महसूस होता है, इसलिए अपना मंत्र वापस ले लो। तो माँ ने उसको उत्तर भेजा कि बेटे, सूरज ऊंचे आकाश में रहता है और पानी जमीन पर रहता है। अब पानी पृथ्वी पर रहता है, क्या पानी को सूरज से कहना पड़ता है कि मुझे ऊपर ले लो करके? वो तो सूरज का गुणधर्म ही है कि अपने उष्णता की वजह से वो भाप के रूप में, स्टीम जो होती है उसके रूप में पानी ऊपर आ ही जाता है। वो सूरज का धर्म है या गुणधर्म है। इसलिए मैं तुम्हें आश्वस्त करती हूँ कि तुम्हें कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी। कितना बड़ा आश्वासन है। और ऐसे ही मन चंचल हो जाता है, तरह तरह के विचार मन में आते हैं और मन चंचल हो जाता है। ऐसे भी शिष्य माँ के पास आते थे और माँ उनसे उनको क्षमा करती थी। कि माँ का एक शिष्य था, युवा था, और वो माँ से कहने लगा कि माँ मुझे ठाकुर का दर्शन करवा दो। माँ ने कहा सब समय पर हो जाएगा, समय आने पर हो जाएगा, तुम इतना चंचल मत हो जाओ, शांत रहो। लेकिन उसने माना नहीं। उसने कहा माँ तुम मुझे मतलब उससे आश्वस्त नहीं कर रही हो, तुम इस प्रश्न का उत्तर टाल रही हो, मुझे दर्शन चाहिए, ठाकुर का दर्शन होना है, ऐसा कहने लगा। माँ ने बहुत तरह से समझाया लेकिन वो माना नहीं। उसका मन, वो दिमाग खो बैठा था। तो उसने जब माला फेंक दी माँ के ऊपर ही और चला गया वहाँ से, और तरह तरह की बातें कहने लगा माँ के बारे में, उनके शिष्यों के बारे में, सन्यासियों के बारे में, और पत्र लिखने लगा, उल्टे सुलटे पत्र लिखने लगा। ये सब हुआ। तो किसी ने पूछा क्या मंत्र उसने जब माला फेंक दी मतलब मंत्र उसने वापस दे दिया? तो माँ ने कहा मंत्र में चैतन्य होता है, कोई वापस दे सकता है? चैतन्य शक्ति होती है, उसको कोई वापस नहीं दे सकता। कुछ दिनों बाद वही युवा वापस आया, इतना दिन वो माँ से मिला नहीं था, फिर माँ के पास आने लगा, और धीरे धीरे माँ ने उसे समझाया कि ठाकुर ने कहा है कि जो उनसे प्रार्थना करेंगे उनके जीवन में वो अंतिम क्षण समय वो उनके उनको दर्शन देंगे, तुम भय मत करो। और क्यों दिमाग खो बैठे हो? इससे लोग कहेंगे कि ठाकुर का एक शिष्य दिमाग खो बैठा, इससे ठाकुर की निंदा हो जाएगी, ठाकुर के बारे में तरह तरह के लोग मतलब भूल करने समझने लगेंगे। तो तुमको ऐसा लगता है कि ठाकुर का नाम खराब हो, जाओ और साधारण जीवन जीने का प्रयास करो। ठाकुर की निंदा होने से तुमको अच्छा लगेगा? ऐसा बहुत तरह से समझाया, और कुछ दिन बाद वो युवा जो था वो ठीक हो गया।
और एक माँ का जो गुणधर्म है, अहेतुनानो दयसे सदोषान, अहेतुक कृपा सिंधु, मतलब माँ या महापुरुष या अवतारी पुरुष किसके ऊपर क्यों कृपा करते हैं इसका कुछ तर्क वितर्क नहीं हो सकता है, वो उनकी इच्छा होती है। जैसे हम किसी को कुछ अगर गिफ्ट देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, वो अपने मन की इच्छा होती है, उसमें कुछ लॉजिक नहीं होता है, वैसे ही तर्क वितर्क नहीं होते हैं। तो अहेतु नानो, अहेतुक कृपा सिंधु होते हैं। अभी जब माँ ने जिनके ऊपर कृपा की वो माँ के कोई भी नहीं थे, मतलब वो कुछ रिलेशन में नहीं थे, कुछ परिवार से नहीं थे, लेकिन माँ सबकी थी और सब जो माँ के पास आता है वो माँ की संतान थी, और ऐसी काल्पनिक संतान नहीं थी, माँ ने उनको संतान ही माना। तो एक बार एक शिष्य आ गया माँ के पास, बहुत दिनों के बाद आया था। माँ ने कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह सब खत्म हो गई है और लाने के लिए कोई नहीं, तुम मार्केट बाजार में जाना और सब्जियाँ लेकर आना। शिष्य मार्केट गया, ये सब ये एक कटोरी ले, मतलब ये लेके बैग वगैरह लेके, और वो सब्जियाँ वगैरह खरीदी, सब बास्केट में डाल दिए, और वो बोझ बहुत था। वो दुकानदार बोला कि तुम एक काम करो, एक कूली कर लो ताकि तुमको बोझ उठाना ना पड़े। लेकिन वो शिष्य बोला ना मैं ही उठाऊंगा, क्योंकि माँ ने ऐसा उसने मन में सोचा कि माँ ने तो मुझे कूली करने के लिए नहीं बोला है, तो इसलिए उसने खुद ही उठाया सिर के ऊपर। लेकिन वो इतना बोझ था, और लेकिन माँ ने उसको नहीं बोला था कि कुली करने के लिए, इसलिए उसने कुली नहीं किया और वैसे ही आने लगा। उसमें बारिश भी हो रही थी, उसने एक एक हाथ से छाता पकड़ लिया था बास्केट के ऊपर और आ रहा था, पैर फिसल न जाए इसलिए बहुत सावधान पूर्वक चल रहा था। एक जगह पे आया, वहाँ रास्ता क्रॉस करने के बाद उसको एकदम ऐसा महसूस हुआ कि बोझ हल्का हुआ है। उसको पता ही नहीं चला, एक मिनट भर वहाँ रह गया, लेकिन उसको लगा कि बहुत ही हल्का हो गया है, और अभी आने में कुछ सुविधा नहीं थी, वो जल्दी आ गया। तब उसने देखा कि माँ यहाँ से वहाँ चल रही है और एकदम बहुत क्रोधित हो गई है, और मन ही मन बोल रही है कि उसको मैंने बाजार तो भेजा, लेकिन उसने मुझे मैं उस उससे मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि कुली कर लो करके। वो जैसे ही आया, शिष्य आया, ये सब लेके और बास्केट नीचे रख दी, तो माँ ने तुरंत गुस्सा हुए पूछा कि तुमने कुली क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब माँ ने सब जान लिया था, और माँ की कृपा से ही वजन उसका हल्का हुआ था। तो कैसे, किस तरह से माँ की कृपा होगी कुछ बता नहीं सकते। और संतानों की चिंता, जयराम भाटी में बहुत सारे माँ के शिष्य आते थे, भक्त आते थे, वहाँ रहते थे कुछ दिन। तो एक दिन एक शिष्य ने देखा कुछ आवाज़ उसको आ रही थी मध्य रात में, और देखा कोई कुछ कर रहा है, वो वरांडा जो है, वो आंगन जो है, कोई झाड़ रहा है। उसने देखा कि माँ खुद ही मध्य रात्र में वो आंगन झाड़ रही थी। तो शिष्य ने पूछा माँ क्या कर रही हो, तो माँ ने कहा बेटे ये सब मेरे संतान आए हैं, यहाँ रहते हैं, और वो शहर से आते हैं, उनको आज किसी को वो छोटा कंकर चुभ गया, तो इसलिए मैं झाड़ रही हूँ ताकि उनको कुछ मतलब ये ना हो, कंकर ना चुभे। तो शिष्य ने कहा कि मैं कर लूँगा, तो उसने कहा ना, माँ ने कहा तुम जाके सो जाओ, ये मैं ही करूँगी। तो शिष्य तो आँखों में पानी आ गया कि ये कैसी माँ है, कि कितना ख्याल रखती है अपने संतानों का, और प्रेम और दया, ये तो माँ का मतलब पूरी माँ उससे भरी हुई थी प्रेम और दया। तो एक बार एक मध्यमवयीन महिला आई, कुछ माँ के लिए कुछ उपहार लेके आई थी, और बहुत दूर से आई थी, थोड़ी उसको थकावट महसूस हो रही थी, बुखार भी था। ये देखकर माँ ने उसे नहाने के लिए पानी वगैरह दिया, खाना खिलाया और कहा
बेटी आज तुम यहीं रहो और अच्छे से आराम करो। तो उसको थोड़ा बुखार था इसलिए वो सो गई, और नींद में रात में उसने बिस्तर जो है गंदा कर दिया। तो माँ ने उसको उठाया और तुरंत बोला कि तुम साफ सुथरा हो जाओ और अभी से अभी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मेरे संतान बाकी संतान तुम्हें डांट देंगे, तुम्हें कुछ खराब बोल देंगे। तो वो तो चली गई और जो गंदा हुआ था जो बिस्तर, माँ ने खुद उसको धो लिया और किसको पता भी नहीं चला कि, और ज़मीन भी गोबर से साफ कर दी, किसको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। और हमेशा संतानों की चिंता होती थी उनको। कुछ भक्त आए जयराम बाटी में, दो दिन रहे और गए, जाते समय टॉवेल उनके कुछ कपड़े रह गए थे। तो जैसे माँ के ध्यान में आया, उसने माँ ने किसी ब्रह्मचारी अपने शिष्य को तुरंत भेजा वो लेके। दो तीन बार ऐसा हुआ तो उनको तो बहुत आश्चर्य लगा कि एक एक पहली भेंट में ही वो माँ ने कैसा उनका हृदय जीत लिया। और कैसे माँ की कृपा होती है, एक सौरभ मोदी नाम का एक व्यक्ति था, युवा था, और उसको मंत्र दीक्षा लेनी थी। उसने ठाकुर श्री रामकृष्ण और माँ के बारे में सुना था बहुत, इसलिए उसको इच्छा हो गई कि मंत्र दीक्षा ले लूँ। वो बाद में फिल्म डायरेक्टर और एक्टर भी बना। तो मुंबई से जयराम बाटी आया दीक्षा लेने के लिए। दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं समझ में आती थी, माँ को हिंदी नहीं आती थी और उनको बंगाली नहीं समझती थी, लेकिन मंत्र दीक्षा हो गई। तो मंत्र दीक्षा होने के बाद जब शिष्य जाने लगा तो उसने कहा ठीक है मैं माँ, ठीक है माँ जाता हूँ। माँ ने कहा, तुरंत कहा, ऐसा मत कहो बेटे, कभी ऐसा नहीं कहना है कि जाता हूँ, आता हूँ कहना है। और सौरभ मोदी जी जब उस उनके अंतिम दिन में ये माँ की बातें उनको याद आ गई, जब अभी उनके अंतिम दिन चल रहे थे, बीमार थे, बिस्तर पर थे, तब उनको मन में याद आई माँ, और उन्होंने सोचा कि हाँ माँ ने ठीक ही कहा था, जाता हूँ नहीं बोलना है, आता हूँ। अब मुझे पता चलता है कि माँ ने अपने पास बुलाया है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं, हाँ मैं माँ, मैं आता हूँ। और अहेतुक कृपा, माँ विष्णुपुर एक रेलवे स्थानक जो है वहाँ ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रही थी, कलकत्ता जाना था। उसी समय एक कुली उनके पास आया, प्रणाम किया, और कुली ने कहा माँ को कि माँ तुम मेरी जानकी माँ हो, इतने दिन कहाँ थी, मैं कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था तुमको, ऐसा कहकर वो रोने लगा। तो माँ ने उसको सांत्वना दी और कहा कि जाओ बेटे एक फूल लेके आओ। तो तुरंत हो गया, फूल लेके आया, माँ के चरणों में फूल समर्पण किया और माँ ने उसे स्टेशन पे ही मंत्र दीक्षा दे दी। ऐसी माँ की कृपा होती थी। और सपने में भी माँ ने कृपा की है। एक व्यक्ति को सपने में एक दिव्य महिला का दर्शन हुआ और उस महिला ने उसे कहा, क्या तुम आलसी की तरह बैठे हो, तुम बुजुर्ग हो रहे हो, अभी साधना करनी है, मेरे साथ आओ। और उसका सपना टूट गया, लेकिन वो सपने की स्मृति उसमें उसके मन के पटल पर रह गई। उसने ठाकुर श्री रामकृष्ण और माँ शारदा देवी के बारे में सुना था, लेकिन उनको देखा नहीं था, ना कि उनका कुछ चित्र भी देखा था। तो कुछ दिन बाद वो जयराम बाटी गया और माँ को देखकर उसको आश्चर्य लगा कि ये वही दिव्य महिला थी जो उसके सपने में आई थी। तो माँ ने तुरंत कहा उसको देखते ही, ओ बेटे आ गए तुम, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। तो माँ तुरंत माँ स्नान करके आई, उसको भी बोला स्नान करके आओ, और उसे मंत्र दीक्षा दे दी।
और बहुत सरल पद्धति से माँ कृपा करती थी। एक क्रांतिकारी युवा था, फ्रीडम फाइटर, और दीक्षा लेने के लिए माँ के पास आया था, तो उसकी व्यवस्था कहीं और जगह कर दी गई और माँ ने दूसरे दिन अब बहुत ही सरल पद्धति से उसको मंत्र दीक्षा दे दी। ये मंत्र दीक्षा दे के माँ जिम्मेदारी लेती थी उनके मुक्ति की, इसलिए उनकी मंत्र दीक्षा ऐसी साधारण नहीं थी। उसमें वो एक बार माँ ने जिम्मेदारी ली है, मतलब वो मुक्त ही हो गए ऐसा था। अह दुख कृपा, मतलब सब कुछ जानने वाली माँ। माँ तो सब कुछ जानती थी। मुकुंद नाम का एक कॉलेज का विद्यार्थी था और उसको लगा कि आज मैं माँ से मिलने जाऊँगा। जाते समय उसने कुछ मिठाइयाँ खरीद ली भोग निवेदन करने के लिए, माँ को देने के लिए, और जाने लगा। तो जाते समय जब माँ के वहाँ जहाँ रहती थी वहाँ गया तो उसे एक सन्यासी मिले और सन्यासी ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम, कॉलेज से आए हो और यही कपड़ों में तुम माँ के पास जाओगे ये मिठाई लेके, तुमको क्या लगता है माँ ग्रहण करेगी? नहीं करेगी। तो बेचारा निराश हो गया और गया माँ के पास। मिठाई तो उसने छुपा ली क्योंकि वो तो माँ तो नहीं खाएगी, उसको पता था क्योंकि उसने तो कपड़े नहीं बदले थे। लेकिन जैसे ही माँ ने उसको देखा, उसको पूछा माँ ने, बेटे तुम आए हो, अच्छा किया, कहाँ है मिठाई? तो तुरंत उसने मिठाई दे दी माँ के हाथों में और माँ ने थोड़ी सी मिठाई खाई और जो बाकी था उसके हाथ में दे दिया और बोला, माँ ने कहा अब खा लो। तो उसने जब वो मिठाई खाई तो उसको अमृत जैसे लगी, ऐसी कृपामयी माँ थी। माँ ने ये कैसे जान लिया कि उसके पास मिठाई है करके? क्योंकि माँ एक साधारण व्यक्ति नहीं थी, साधारण रूप में नहीं थी। तो एक अपराजिता स्तुति जो है, देवगणाकृत अपराजिता स्तुति ही, उसमें कहा गया है कि चितिरूपेण या कृष्णम एतत् व्याप्य स्थिता जगत, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब है कि जो देवी चैतन्य रूप से इस विश्व में परिपूर्ण है, पूरा जगत चैतन्य से भरा हुआ है, उसे मेरा प्रणाम। तो माँ जो है, माँ मन में कृपा करती है और चैतन्य रूप से सब में विराजमान है, इसलिए माँ को सब कुछ पता चलता है। तो ऐसे करुणामयी, प्रेममयी, कृपामयी माँ को एक प्रार्थना हम करते हैं। क्या प्रार्थना है वो दसवें श्लोक में आती है वो प्रार्थना, कि प्रसीद मातः मातर विनयेन याचे नित्यं भव स्नेहवती सुतेषु प्रेमैक बिंदुं चिरदग्ध चित्ते विशिंच चित्तं कुरुन सुशांतं। प्रसीद मातः विनयेन याचे, विनयेन मतलब मैं याचना करता हूँ हे माँ, प्रसीद हे माता, मैं सविनय याचना करता हूँ किसके लिए, कि नित्यम हमेशा भव स्नेहवती सुतेषु, अपने संतानों के प्रति हमेशा आपका स्नेह भाव बना रहे, और प्रेमैक बिंदुम चिरदग्ध चित्ते, तापदग्ध चित्तों को अपने प्रेम के एक बूंद काफी है, प्रेम के बूंद से सिंच कर उन्हें शांति का आस्वादन करा देना। विशिंच चित्तम कुरुन सुशांतम, सुशांतम सिर्फ शांत नहीं, सुशांतम मतलब कभी भी कोई भी उसमें चंचलता ना हो, कोई भी विकार ना हो, हमेशा पवित्र रहे, समाधानी रहे। तो ये हमारी प्रार्थना है।
और इसमें क्या कहा गया है कि हे करुणामयी माँ, मैं विनय पूर्वक अपने पूरे हृदय के साथ तुम्हारी याचना करता हूँ, तुमसे याचना करता हूँ कि तुम अपनी इन संतानों के प्रति अनुकंपा सदा सदा के लिए बनाए रखना। क्योंकि इतने सारे हमने उदाहरण देखे हैं, इतने सारे शिष्यों को, शिष्यों के ऊपर, भक्तों के ऊपर माँ ने कृपा की है, तो हमारे ऊपर भी निश्चित ही माँ कृपा करेगी। क्योंकि दोष मनुष्य, मतलब मनुष्य का मन तो दोषपूर्ण होता ही है, लेकिन शरणागति भी बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं कि लाखों जन्मों के दौरान असंख्य सांसारिक चिंताओं से जल भूनकर उनके हृदय शुष्क हो गए हैं। क्योंकि आसक्ति होती है, कष्ट होते हैं और बहुत सारे वासनाएं होती है मन में और चाहते होती है, तो वो पूरी करने के लिए बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, बहुत सारे मान सम्मान होते हैं, अपमान होते हैं। तो इसमें, इस ज्वाला में हमारा, हमें बहुत कष्ट होता है। तो इसलिए, परंतु यदि तुम उस पर अपने स्नेहामृत का एक बूंद भी छिड़क दो, तो वे चिर शांति में सराबोर होकर सरस हो उठेंगे। मतलब प्रेम का एक बूंद, माँ के प्रेम का एक बूंद भी काफ़ी है। क्योंकि जैसे कि अमृत का बूंद गिरने से वहाँ तीर्थ हो गया, वैसे प्रेम माता, माँ के प्रेम का एक बिंदु अगर हमें मिल जाए तो हमेशा हमेशा के लिए हमारा मन शांत और संतुष्ट हो जाएगा। और इसके बाद आता है कि प्रणाम मंत्र जो है, जननीम शारदाम देवीम रामकृष्णम जगद्गुरुम पाद पद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बार बार प्रणाम हो किसको? तो जननीम शारदाम देवीम, शारदा देवी ये जननी है, और रामकृष्णम जगद्गुरुम, रामकृष्ण जगद्गुरु है, पूरे जगत के आचार्य है, और जगदम्बा शारदा, दोनों के पाद पद्मों में आश्रय लेकर मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः मतलब बार बार प्रणाम। जैसे कि हमने उसके बारे में आलोचना की है कि ये जो प्रणाम होता है, कि ये प्रणाम से हमारा एक शरणागति का भाव होना चाहिए, तभी कृपा होती है। प्रणाम मतलब एक शारीरिक क्रिया नहीं होती है, उसमें भाव होना चाहिए। प्रणमामि तो ये संपूर्ण रूप से मैं मन और शरीर के, शरीर आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, ये समर्पण भाव जब होता है तब प्रणाम होता है। तो श्री राम कृष्ण जो है जगतगुरु या विश्व के आचार्य है, क्योंकि जैसा देखते हैं कि श्री राम कृष्ण ने जो साधना की और साधना के फलित उनको जो परमात्मा की या आध्यात्मिक प्राप्ति हुई, उसके आधार पर उन्होंने सबको एक सीख दे दी, उपदेश किए, और उस उपदेश को फॉलो अगर हम आचरण करेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो श्री रामकृष्ण ने कहा है कि मैंने रास्ता बना के रखा है, आपको सिर्फ चलना है, या मैंने खाना बना के रखा है, आपको सिर्फ खाना है। मतलब जो खाना बनाने के लिए जो कुछ कष्ट करने पड़ते हैं उन्होंने किए हैं, उन्होंने, मतलब उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने पूरी साधना की है, अभी हमें क्या करना है कि उनके उपदेशों का आचरण करना है, उनके उपदेशों के अनुसार हमारा जीवन बनाना है। तो गुरु का अर्थ है क्या? पिता भी हो सकता है, अतः वे संपूर्ण विश्व के पिता है, जगत पिता। शारदा माता जो है जगन माता है, और श्री रामकृष्ण जगत पिता, और श्री शारदा माता पूरे जगत की माता है। उनके चरण कमलों में आश्रय लेने में ही मुक्ति निहित है। इस कारण कवि कहता है कि मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करता हूँ।
क्योंकि उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। प्रयत्न करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सब कुछ प्रयत्नों से नहीं होता है। प्रयत्न तो करने पड़ते हैं, लेकिन कृपा पाने के लिए शरणागत होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमेशा बार बार प्रणाम करके शरणागत होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा ये प्रकृतिम परमाम स्तोत्र समाप्त होता है। हम शारदा माँ के चरणों में, श्री रामकृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सबके मन से आसक्ति को हटाकर मुक्ति पा सके और उनके चरणों में शरणागत हो सके। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।